हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर्स टू फैब्रिक एंड दिस इज़ पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6th साइंस इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, कि आज जो हम कपड़े पहनते हैं वो एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहले, जैसे आपने अपने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, एकदम जब स्टोन एज वाले पीपल हुआ करते थे, वो लोग बिल्कुल एनिमल्स की तरह ही हंटिंग करते थे, खाने की तलाश में इधर उधर भटकते थे। हैव यू एवर वंडर्ड वॉट मटीरियल्स पीपल यूज इन एंशियंट टाइम फॉर क्लोथ्स? जब क्लाइमेट धीरे धीरे ठंडा होने लगा, तब उन्हें सर्दी की वजह से ऐसा फील होने लगा कि क्लोथ्स आर रियली रिक्वायर्ड टू कवर बॉडी। फिर जब उन्होंने एनिमल्स को देखा कि उनको तो सर्दी नहीं लगती क्योंकि उनके बॉडी पे, उनके स्किन के ऊपर एक टाइप की कवरिंग है। जब वो एनिमल्स को हंट करते थे, उन्हें वो स्किन निकालने को मिलता था। जब वो पेड़ों से फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते थे तो उन्हें पेड़ों से भी एक अलग टाइप का कवर मिलता था, एक मोटा सा कवर जिसे हम बार्क ऑफ द ट्री कहते हैं। तो वहीं से स्टोन एज वाले पीपल को आइडिया आया कि क्यों ना हम भी अपने बॉडी को कवर करने के लिए इस तरीके के क्लोथ्स बनाएं। एंड देयर वाज द बिगनिंग ऑफ द क्लोथिंग मटेरियल। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क ऑफ द ट्रीज एंड द बिग लीव्स ऑफ द ट्रीज टू कवर देयर बॉडीज एंड देन दे ऑल्सो यूज्ड एनिमल स्किन्स एंड एनिमल फर्स टू कवर देमसेल्फ। कई पेड़ों के जो बार्क होते हैं, स्टेम का बाहर वाला पोर्शन जो बहुत मोटा होता है, वो हवा से भी बचाता है और सर्दी से भी बचाता है। उसी तरह कई पेड़ों के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो भी एज अ बॉडी कवर स्टोन एज के लोग यूज़ करते थे। एंड देन एनिमल स्किन एंड फर, उससे उन लोगों को ठंडी में भी राहत मिलती थी, बिकॉज फर इज़ समथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ एनिमल हेयर, और एनिमल हेयर से हवा बहुत कम पास होती है, इससे बहुत गर्माहट महसूस होती है। एंड देन एनिमल स्किन ऑल्सो, स्टोन एज वाले लोगों को लगता था अगर स्किन एनिमल्स को कवर कर रहा है तो उससे हम अगर कपड़े बना के पहनेंगे तो उससे हमारी बॉडी भी कवर हो जाएगी। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स टू मेक क्लोथ्स एंड कवर देयर बॉडी। फिर जब लोग सेटल होने लगे, व्हेन पीपल बिगेन टू सेटल, ये भी आपने अपने हिस्ट्री में पढ़ा है, तब उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। एक जगह रह के, एक जगह पे ही उन्होंने डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, और उसी से उन्हें पता चला कि कॉटन प्लांट, फ्लैक्स प्लांट ऐसे होते हैं जिससे हमें फाइबर्स मिलते हैं, और उन फाइबर्स का इस्तेमाल भी हम थ्रेड्स बनाने में करते हैं। ये वाली सोच एक दिन में नहीं हुई, इट टुक देम मिलियंस ऑफ इयर्स टू थिंक अबाउट द प्रोसेस एंड टू मेक द क्लोथिंग जर्नी। जिंदा रहने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। सो व्हेन पीपल स्टार्टेड टू सेटल डाउन नियर द रिवर्स, दे स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, देन दे स्टार्टेड टू ग्रो डिफरेंट प्लांट्स, दे लर्नड हाउ टू वीव ट्विग्स। ट्विग्स क्या होता है? जो पेड़ों के थिन शूट्स होते हैं, जो पतले पतले ब्रांचेस होते हैं, उनको लेके उन्होंने वीविंग करना शुरू कर दिया। उससे उन्होंने मैट्स बनाए, बास्केट्स बनाए, ग्रास, जो सूखी सूखी घास होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है, अपने हाथों से फाड़ नहीं सकते, तो उससे भी उन लोगों ने मैट्स बनाने और बास्केट्स बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद जो क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे मनी प्लांट, लताएं, वेरी थिन शूट्स होते हैं उनकी, जिन्हें हम इंग्लिश में वाइन्स भी बोलते हैं, तो इनको भी यूज़ किया उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैंड्स बनाने के लिए। जैसे आज हम फाइबर्स को ट्विस्ट करके धागे बनाते हैं, तो उस टाइम उन लोगों ने उन वाइन्स को, एनिमल फ्लीस को, फ्लीस मतलब एनिमल हेयर, एनिमल हेयर को भी ट्विस्ट करके लंबे लंबे धागे बनाने शुरू कर दिए, स्ट्रैंड्स बनाने शुरू कर दिए, और फिर वहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया कि इन स्ट्रैंड्स को हम वीव करके फैब्रिक्स के रूप में बना सकते हैं और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन अल्टीमेटली जब लोगों को कॉटन प्लांट, फ्लैक्स प्लांट के बारे में भी पता चला, जब उन्होंने पहली बार इस टाइप के प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने देखा कि इन प्लांट्स से जो फाइबर्स मिल रहा है वो भी बहुत स्ट्रांग है, इन फाइबर्स को भी हम ट्विस्ट करके थ्रेड्स बना सकते हैं, और इन थ्रेड्स का इस्तेमाल हम डिफरेंट थिंग्स बनाने के लिए कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली पीपल स्टार्टेड टू यूज़ दीज फाइबर्स टू मेक फैब्रिक। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इन एंशियंट इजिप्ट ऑल्सो, इजिप्ट में एक बहुत बड़ी लंबी
छोटी सी नदी है नील नदी, जिसे हिंदी में नील नदी एंड इंग्लिश में नाइल रिवर बोलते हैं, यहाँ पे भी अर्ली पीपल सेटल हुए थे। यहाँ पे भी लोगों ने कॉटन एंड फ्लैक्स को ग्रो करना शुरू कर दिया था और यहीं से इन्हें ये फाइबर्स एंड देन फाइबर्स से इन्होंने फैब्रिक्स बनाना भी शुरू कर दिया था। और इंडिया में नियर द रिवर गंगा पीपल स्टार्टेड टू सेटल डाउन। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, क्योंकि उस समय सूइंग नीडल जो है सिलाई करने वाली नीडल सुई वो तो इन्वेंट ही नहीं हुई थी, तो उस समय लोग सिर्फ ये फैब्रिक बना लेते थे कैसी तरह, और इसी फैब्रिक को अपने बॉडी के आसपास लपेट के अपने बॉडी को कवर करते थे। तो जिस टाइप की चीज़ें आज भी हम यूज़ करते हैं, जैसे साड़ी, लुंगी, धोती, टर्बन यानी कि पगड़ी, दुपट्टा, ये सब चीज़ें एक लंबी फैब्रिक होती है, मतलब एक लंबा सा कपड़े का टुकड़ा जिसमें किसी भी तरीके का स्टिच नहीं होता। इसे हम अपने बॉडी में जस्ट ड्रेप अराउंड करके लपेट के पहन लेते हैं। दीज आर द अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ इवन वी यूज नाउ ऑल्सो। एंड पीपल ऑफ द पास्ट, उनके पास तो सुई नहीं था, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, सो दे ऑल्सो जस्ट ड्रेप द फैब्रिक्स अराउंड देयर बॉडी एंड यूज द फैब्रिक्स एज इट इज़। और उसके बाद जब इन्वेंट हुआ सीविंग नीडल, तब लोग स्टिच करने लगे फैब्रिक्स को और अलग अलग टाइप के कपड़े बनाने लगे। जैसे आजकल हम कपड़े को कट करके काट के कुर्ता बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, पैंट बनाते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, स्टिच्ड क्लोथ, जिसे नीडल की मदद से सीव करके सिलाई करके बनाया जाता है। अब सिलाई करने के दो तरीके हैं, पीपल यूज हैंड स्टिचिंग ऑल्सो एंड पीपल यूज मशीन स्टिचिंग ऑल्सो। तो अगर हम क्लोदिंग मटेरियल के डेवलपमेंट की हिस्ट्री को तीन स्टेजेस में डिवाइड करें, द थ्री स्टेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द क्लोदिंग मटेरियल, फर्स्ट स्टेज इज व्हेन द पीपल स्टार्टेड टू वेयर क्लोथ्स from the plant fibers such as the flax fiber, cotton fiber and bark of the trees. Second stage में लोगों को animal fibers के बारे में भी पता चला, जब उन्हें लगा animal fibers हमें गर्मी देते हैं, strong होते हैं और ये हमारे लिए भी useful है, like the wool and the silk. Here you must know that silk is invented in China and from the China only silk came to various parts of the world. Clothing material के development का third stage है when the man started making the synthetic fibers. Synthetic fiber को man-made हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम factories में chemicals के द्वारा बनाते हैं, such as the rayon, nylon and polyester. They are produced in the factories with the help of chemicals. और chemicals का यूज करके कैसे हम एक फैब्रिक बना सकते हैं, इसके बारे में आप और भी डिटेल में अपने क्लास 8 के साइंस में पढ़ेंगे। एंड व्हाई दे वर मेड, इनका इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि ये नेचुरल फाइबर से ज्यादा टिकाऊ होते हैं, ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, इनमें रिंकल्स नहीं पड़ते, ये बहुत ही सस्ते होते हैं नेचुरल फाइबर से। सो देयर आर मेनी डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द सिंथेटिक फाइबर, सो दैट इज व्हाई दे वर डेवलप्ड बाय द मैन। सो वॉट डिड वी लर्न इन दिस चैप्टर, हम सबसे पहले कुछ ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं जिससे हमें कुछ नेचुरल फाइबर्स मिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉटन, फिर उस कॉटन में से बीजों को निकाला जाता है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ गिनिंग, और उससे हमें जो मटीरियल मिलता है वो होता है फाइबर्स यानी कि पतले पतले रेशे। अब बहुत सारे फाइबर्स को एक साथ पकड़ के ट्विस्ट करके थ्रेड्स बनाए जाते हैं फ्रॉम द प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग, और थ्रेड्स का साइंटिफिक टर्म साइंस में हम यार्न बोलते हैं। और फिर इन धागों से, इन यार्न से जब हम फैब्रिक बनाते हैं, उसके दो मेन प्रोसेस हैं, द फर्स्ट प्रोसेस इज वीविंग, सेकेंड प्रोसेस इज निटिंग। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस होल चैप्टर। लेट अस सी द की वर्ड्स नाउ। द फर्स्ट वर्ड इज कॉटन वुल। कॉटन वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट, इट इज मेड अप ऑफ थिन कॉटन फाइबर्स। तो जो रुई का एक बड़ा सा टुकड़ा हमारे घर पे रहता है उसी को हम कॉटन वूल कहते हैं। वॉट इज फैब्रिक, अ वूवन मटीरियल, एक ऐसा मटीरियल जो वीव करके तैयार होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्लॉथ इज कॉल्ड अ फैब्रिक। वॉट आर फाइबर्स, फाइबर्स आर लॉन्ग थ्रिन नैरो स्ट्रक्चर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेस फ्रॉम विच थ्रेड्स आर फॉर्म्ड एंड दे आर कॉल्ड फाइबर्स। वॉट इज निटिंग, निटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक फ्रॉम ए सिंगल यार्न, एक सिंगल धागे से जब हम फैब्रिक को बनाते हैं, धागे को इंटरलूप करके,
तो उस प्रोसेस को निटिंग बोला जाता है। जैसे हम सॉक्स, स्वेटर, शॉल्स बनाते हैं निटिंग के प्रोसेस से। व्हाट इज स्पिनिंग? स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। हम जब फाइबर से धागे बनाते हैं तो उस प्रोसेस को स्पिनिंग बोला जाता है। और इस स्पिनिंग करने के टोटल 3 डिवाइसेस हैं। एक डिवाइस टकली है जो हम हाथ से यूज़ करके बनाते हैं। दूसरा डिवाइस है चरखा, जैसे महात्मा गांधी जी ने जो पॉपुलराइज किया था, दैट इज़ ऑल्सो हैंड ऑपरेटेड स्पिनिंग डिवाइस। तीसरा तरीका है हम मशीन्स का यूज़ करके धागों को बनाते हैं स्पिन करके। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ वीविंग? वीविंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक, जिसमें हम दो सेट ऑफ यार्न्स को राइट एंगल में अरेंज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक बाय अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स एट ए राइट एंगल टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड वीविंग। एक धागा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, दूसरा धागा ठीक उसके राइट एंगल में गुजरता है, दैट इज़ लेफ्ट टू राइट। और इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब फैब्रिक तैयार होता है, दैट इज़ by the process of weaving the fabric is made. And last is what is a yarn? Spun fibers are called yarn. या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a yarn is a simple thread which is made by many fibers spinned together. Next, in our part 5 video, we will do the exercise questions of your textbook and also some other important questions. तो अगर आपको ये chapter अच्छे से समझ में आया, अच्छा लगा, तो जल्दी से like button press कर दीजिए और साथ ही साथ मुझे भी comment करके ज़रूर बताइए and also share with your friends so that they can also understand this chapter very well. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.